बात मैं बना ही रहा हूँ, बना के भेजता हूँ आपको पहले। टेंट लगता है मत ना छेड़ो। और जो इशू है उन पर उनका सीधा सीधा कहना है, कोई डेवलपमेंट का काम हो, कोई 5% का काम हो, या कोई आबादी का काम हो, या जो पैसा देने वाले मामले हैं 5% के, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको ये थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। हमने बहुत काम से हम अलग बैठ जाते हैं, हम वहाँ भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठ जाएंगे, आप काम कर लेने दो। फिर उन्होंने एक ही बात कही जो उस दिन यमुना विकास प्राधिकरण पर कही थी कि अगर आप बैठोगे तो हमें ये लगेगा कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हम मानसिकली परेशान रहेंगे, आप हमको मानसिकली परेशानी से दूर कर दो। हमने कहा जी बताओ क्या करना है, कि हमें कुछ समय दे दो। हमने कहा कि हम समय की बाद में बात बता देंगे, आप हमें बाहर जाने दो, पहले अपने लोगों से बात करो। उन्होंने कहा मैं आपसे कमिटमेंट चाहती हूँ, आप कल हमसे आकर के जवाब मांगे दिक्कत नहीं, उनमें कोई आचार संहिता काम नहीं आएगी, उसके लिए हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान।
अब मैं इसके हिसाब से कहूँगा कि क्या क्या मुद्दे हैं, उन पर क्या बातचीत हो गई और आपने कितना समय मांगा, इसके लिए आप कर लें।